हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग ब्लॉक 3 स्टार्ट कर चुके हैं। इसका यूनिट 1 चल रहा है, जिसमें लीडरशिप के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप, जिसमें इन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के लीडरशिप के बारे में बताया हुआ है। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम लीडरशिप जो है उसमें 3 टाइप्स के कहते हैं। एक तो होता है एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड लीडरशिप, दूसरा लीडर अपॉइंटेड बाय द ग्रुप, और तीसरा सेल्फ अपॉइंटेड लीडर। तो ये जो 3 टाइप के लीडर यहाँ बता रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड लीडरशिप का मतलब है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी लीडर को अपॉइंट कर दिया है, या किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट की वजह से एक लीडर बन गया है। जैसे स्कूल्स में प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं। तो ग्रुप अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, मतलब ऑफिस की तरफ से जो है लीडर जो अपॉइंट कर दिया गया है, वो उसकी पोस्ट की वजह से है। टू विच द पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, द क्लास ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर इज वन ऑफ टाइप। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो लेकिन अपने पोस्ट की वजह से आप समझ लो कि कोई भी अगर लीडर अपने पोस्ट की वजह से बना हुआ है, जस्ट बिकॉज उस पोस्ट पे वो प्रमोट हो चुका है, तो उसको हम एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड लीडरशिप बोलते हैं। दूसरा लीडर अपॉइंटेड बाय द ग्रुप का मतलब है कि जैसे पंचायत में एक लीडर अपॉइंट कर लिया जाता है, या कोई लोकल ग्रुप है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जहाँ पे जो ग्रुप है वो मिलके डिसाइड करता है कि हमारा लीडर कौन होगा। फिर सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स क्या होते हैं, जो जिनके अंदर एक तरह से ट्रेड्स होते हैं कि उनकी बोलने का तरीका हो या ऐसा, या उनके अंदर जो ट्रेड्स हैं उनसे लोग ऑटोमेटिकली उनको एक अपना लीडर मान लेते हैं। तो लीडर हुज अथॉरिटी डिराइव नाइदर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और द ग्रुप, बट इट इज नॉट वेस्टेड इन देम बाय दीज ग्रुप्स, दे एडवांस बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल क्वालिटीज। मतलब जिनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, हैविंग अटेंड द सेंट्रल पोजिशन लीड द पीपल। एक होता है ना, यूजली बहुत सारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या उनके उनके अंदर ऑटोमेटिकली उनकी पर्सनैलिटी पहले से ही ऐसी होती है कि वो जो बोलते हैं लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो ऐसे लोगों को एक लोग मतलब एक तरह से अपने आप ही एक लीडर मानना शुरू कर देते कि ठीक है आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, तो वो अपने आप ही सेल्फ अपॉइंटेड लीडर हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज ऐसी हैं। ये तो 3 इन्होंने बताया। इसके अलावा कह रहे हैं कि और भी हम क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं लीडरशिप की, जैसे एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी हो सकता है जिसको एक पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो, जैसे फिलोसफी, साइंस, जो ग्रेटेस्ट थिंकर्स होते हैं जो लीड करते हैं लोगों को, जो बताते हैं उस फील्ड के बारे में, जैसे फिलोसफी से रिलेटेड बातें बताते हैं, या एक उनके सोचने का तरीका बदलते हैं लोगों का, तो वो इंटेलेक्चुअल लीडर्स हो गए। ठीक है, फिर आर्टिस्टिक लीडर्स वो हो गए जो अपनी फील्ड ऑफ आर्ट में लीडर होते हैं, ग्रेट जो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव लीडरशिप विच इज़ इन द स्पीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इसके अंदर ही कह रहे हैं इट इज़ द अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी हु बिकम्स द लीडर, यानी कि जिसकी पर्सनैलिटी अथॉरिटेटिव होती है। अथॉरिटेटिव होता है जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लोगों से फॉलो करवाना और उनकी बात ना सुनना और अपने आप खुद डिसीजन लेना, तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में आता है। एंड ऑल्सो लीडरशिप कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे भी हो सकती है, जो भी आगे बताएंगे। तो ये आपको अलग अलग बेसिस पे बता रहे हैं। जैसे पहले इन्होंने जो 3 लीडरशिप बताई, ये वाली जो लीडरशिप है ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ये ध्यान रखना। आपको जो क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हो उन सबके अलग अलग बेसिस हैं। अगर आपको बेसिस ऑफ ओरिजिन की वो शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसमें ये 3 है कि एक तो हो गया कि उनको पोस्ट की वजह से लीडरशिप मिली, एक हो गया कि ग्रुप ने लीडरशिप दे दी, एक हो गया कि वो सेल्फ अपॉइंटेड लीडर बन गए क्योंकि अंदर क्वालिटीज ऐसी थी कि वो खुद ही लीडर बन गए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरी ये वाली जो लीडरशिप है, ये वाला जो हमने सेकंड पढ़ा है, दीज इंडिविजुअल्स अपॉइंट टू बी मोस्ट रिसोर्सफुल, यानी कि ऐसे लोग जिन जो रिसोर्सफुल हैं, जो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी सोच बदल सकते हैं, एनी पर्पस एंड क्वालिफाइड पर्सन वो आर एक्सेप्टेड एज अ लीडर, जो उतने क्वालिफाइड हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं एक लीडर की तरह। तो अगर हम उस बेसिस में देखें तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हो सकती है, आर्टिस्टिक लीडरशिप हो सकती है, और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगर किसी की नेचर देखी जाए तो जैसे एग्जीक्यूटिव में एक अथॉरिटेटिव बताया इन्होंने, तो ये एक टाइप ऑफ नेचर है लोगों की। तो अथॉरिटेटिव में अब इसमें भी 3-4 हैं, जैसे अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिव है, इंस्टीट्यूशनल है, डोमिनेंट है, एक्सपर्ट है, परसुएसिव है, 6 हैं टोटल। तो अथॉरिटेरियन लीडरशिप क्या होती है, जो
हु लाइक्स टू एसर्ट इज अथॉरिटी, जिसको अच्छा लगता है अथॉरिटी, पावर अच्छी लगती है, अथॉरिटी अच्छी लगती है, लोगों के ऊपर अपने ऑर्डर्स चलाना अच्छा लगता है, तो वो किसी से कंसल्ट नहीं करते डिसीजन लेने से, वो खुद ही डिसीजन लेते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है और लोगों को डरा के अपने काम करवाते हैं, ठीक है, और लोग डरते हैं इसलिए उनकी बात मानते हैं। एंड ही कीप्स ऑल हिज अथॉरिटी इन हिज हैंड, सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखते हैं, रिलायबल सबॉर्डिनेट्स अपॉइंट करते हैं जिन पे वो भरोसा कर सकें। लीडर ऑफ दिस काइंड इज एन ऑफिसर एंड अथॉरिटेरियन, ही प्रेफर्स टू इशू ऑर्डर्स एंड पनिशेस हु डिसओबे, तो ऑर्डर्स इशू करना पसंद करते हैं और जो बात नहीं मानता उसको पनिश करते हैं, वो हो गया अथॉरिटेरियन। ऐसे ही दूसरा डेमोक्रेटिक लीडरशिप आप कह लो, जो इसके उल्टा होते हैं, जिनको अच्छा लगता है लोगों से बातें सुनना, उनके आइडियाज़ लेना, सबके साथ मिलके डिसीजन लेना, तो यहाँ पे वो अपने थॉट्स, मोड ऑफ एक्शन और कंडक्ट जो है वो सारे बहुत डेमोक्रेटिक रखते हैं। वो लोगों से एडवाइस लेते हैं, ऑलवेज एंशियस टू एनलिस्ट द कॉपरेशन ऑफ एनी वन हु इज़ विलिंग, मतलब उनको ये हमेशा ध्यान रहता है कि अगर कोई कॉपरेट करना चाहता है तो उससे कॉपरेशन ले, ठीक है, सबको इन्वॉल्व करके रखें। इस ये वाली जो लीडरशिप है ये सिंपथी के बेस पे है, बिलीफ के बेस पे है, अफेक्शन के बेस पे है, और ये अपने आप को लीडर नहीं बोलते, रैदर एंड नाइदर डज टेक ऑल द अथॉरिटी, मतलब ये अपने आप को लीडर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मैं भी आपका ही एक पार्ट हूँ, और सारी अथॉरिटी अपने हाथ में लेके नहीं चलते, सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, सबको इक्वल चांस देते हैं, इसीलिए डेमोक्रेटिक वर्ड जुड़ गया इसके आगे। फिर इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप है, देयर आर सम इंडिविजुअल्स हु ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोस्ट, हिज ऑर्डर्स आर अप्रिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी वेस्टेड इन द चेयर, तो जो उस चेयर पर बैठा हुआ है, जो हाईएस्ट पोस्ट है, जो जैसे कहते हैं ना कुर्सी की इज्जत होती है पर्सन की नहीं होती, तो जो उस चेयर पे जो भी बैठ जाएगा वो लीडर हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, जो ऑफिशिएटिंग हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देन डोमिनेंट लीडर कौन सा होता है, ही मेंटेन्स रिलेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डोमिनेंस विद हिज फॉलोअर्स, ही डज नॉट रूल ओवर देम, हाउएवर सक्सेसफुल ही मे अपीयर बिकॉज ऑफ हिज पावर एंड अथॉरिटी, तो ऐसे लोग जो रूल नहीं करते लेकिन क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो ऑटोमेटिकली वो लीडर बन जाते हैं। देन वी हैव एक्सपर्ट लीडरशिप, अ लीडरशिप ऑफ दिस टाइप इज नॉट पुट एनी प्रीमियम और मेंटेनिंग सोशल कॉन्टैक्ट विद देयर फॉलोअर्स और अंडरस्टैंडिंग देम और इवन नोइंग देयर थॉट्स, पीपल कम टू देम फॉर एडवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, तो इस तरह के लीडर वो होते हैं जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लोग उनके पास ऑटोमेटिकली आते हैं, उनसे खुद ही आते हैं एडवाइस लेने के लिए आते हैं, उनको उस फील्ड का लीडर मान लिया जाता है या एक्सपर्ट मान लिया जाता है, तो सब उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, वो हो गए एक्सपर्ट लीडरशिप। और ये एक्सपर्ट होते हैं पर ये एक तरह से इनको लीडर्स नहीं कह सकते, आप ये कह लो अपने फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट्स और इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक लीडर का टाइटल उनको मिल जाता है। देन पर्सुएसिव लीडरशिप वी हैव, पर्सुएसिव लीडर्स विन द हार्ट ऑफ देयर फॉलोअर्स एंड डू देयर बेस्ट टू मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद देम, पर्सुएसिव लीडर्स मतलब जो लोगों को हमेशा पर्सुएड करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा लोगों को अपने कॉन्टैक्ट में रखने की कोशिश करते हैं, दीज आर रियल लीडर्स, इट इज ओनली इस काइंड ऑफ इंडिविजुअल हु रियली एग्जिबिट द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, तो ये वो वाले लीडर्स हैं जो सबके साथ चल के मिलना पसंद करते हैं, कॉन्टैक्ट बनाना पसंद करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो रियल में लीडर्स होते हैं। ओवरऑल पिक्चर रिवील्स अ वैरायटी ऑफ लीडरशिप स्टाइल एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड इन, मतलब ऊपर जो हमने पढ़ा है उसमें हमने बहुत सारे पढ़े हैं ये बोल रहे हैं, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग ओनली थ्री मेजर लीडरशिप स्टाइल वी कैन डिस्कस हियर, तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें तीन मेजर हैं, एक तो ऑटोक्रेटिक है, दूसरा डेमोक्रेटिक है और तीसरा लेजर्स फेयर लीडरशिप स्टाइल है, और उनके कुछ फीचर्स यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। अब पहले मैं बता दूँ, ऑटोक्रेटिक का मतलब है जो अथॉरिटेरियन हमने पढ़ा था, जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लोगों को पनिश करते हैं जो उनकी बात नहीं मानते, वो ऑटोक्रेटिक हो गए, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया, जो सबको साथ लेके चलते हैं, सबको इक्वल राइट्स देते हैं, वो अपने आप को लीडर नहीं बोलते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक हो गए। लेजर्स फेयर का मतलब होता है जो बिल्कुल ही परमिसिव टाइप के होते हैं, जिनको परवाह ही नहीं है, वो लोगों पे ही छोड़ देते हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बहुत ही फ्री हैंड। तो अब इनके क्या फीचर्स होते हैं, देखो जैसे हमने पढ़ा है कि अथॉरिटेरियन जो होते हैं, यानी कि जो ऑटोक्रेटिक होते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप भी इनको बोलते हैं,
तो ये बहुत ज्यादा सुपरविजन रखते हैं लोगों के ऊपर, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लोगों से नहीं पूछते, उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सारे डिसीजन खुद लेते हैं, काम के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं, ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन रिलेशन पे फोकस नहीं होता, प्रोडक्टिविटी पे फोकस होता है। परमिट्स लिटल और नो इनिशिएटिव टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता है, जो लीडर बोलेगा वही करना है, अपने आप से कुछ नया नहीं कर सकता। गेट डिटेल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन, डिटेल में इंस्ट्रक्शंस देना, डायरेक्शंस देना। सबॉर्डिनेट सजेशंस एंड आइडियाज आर नॉट अलाउड, सबॉर्डिनेट की तरफ से कोई सजेशन आइडियाज नहीं सुनते हैं, अथॉरिटी ओरिएंटेड होते हैं कि पूरी तरीके से अथॉरिटी लीडर के पास रहेगी। डेमोक्रेटिक वाले कौन से होते हैं, जो बेस्ट होते हैं वो इम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो इम्प्लॉय के ऊपर फोकस रखते हैं। डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में बांट देते हैं, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, टीम अपने आप को भी टीम का पार्ट बना लेते हैं। मैनेजेस थ्रू ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू मैनेज करते हैं सबके ऑब्जेक्टिव, जैसे मतलब सबको अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट दे देते हैं फॉलो करने के लिए। इनिशिएटिव को परमिट करते हैं कि लोग अपने आप इनिशिएटिव लें, कुछ नया करें, कुछ अपने खुद के इनोवेटिव आइडियाज से काम करना सीखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सीक्स एंड एनकरेज एम्प्लॉय सजेशन, एम्प्लॉय सजेशन को एनकरेज किया जाता है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है कि सब लोग मिल के डिसाइड करेंगे क्या बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्फेसाइज प्रोडक्शन एज वेल एज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, तो प्रोडक्टिविटी एज वेल एज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन दोनों चीज़ों को फोकस करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज यूजली द बेस्ट वन, बट वी हैव अगेन लेजेस फेयर लीडरशिप। तो यहाँ पे ना तो प्रोडक्शन पे ना एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा परमिसिव कह लो या बहुत ही ज़्यादा लीनियंट, बहुत लीनियंट हो जाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिविटी का या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का, खुद ही डायरेक्शन लेस होते हैं, खुद को ही नहीं पता होता कि करना क्या है। इम्प्लॉयज़ आर लेफ्ट टू ड्रिफ्टिंग, मतलब खुद इम्प्लॉयज अपने आप करेंगे जो करेंगे, कोई डायरेक्शन देने के लायक नहीं होते। तो ये मतलब एक तरह से बेकार लीडरशिप है, जहाँ पे ये लोग, उनको लगता है कि हम तो बिल्कुल फ्री छोड़ रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, कुछ कह ही नहीं रहे फिर भी वो काम नहीं कर रहे, उस टाइप के। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक अलग टाइप की लीडरशिप इन्होंने बताई है, नेम ट्रांसफॉर्मेशनल। इट इज डिफाइंड एज लीडरशिप दैट गोज बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस बाय इंस्पायरिंग न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, स्टिमुलेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसमिटिंग अ सेंस ऑफ मिशन। तो ये एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप है, ऊपर जो तीन पढ़ी उससे अलग हटके, जहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का मतलब ये है कि लीडरशिप गोज बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा करते हैं लीडर्स, उनको इंस्पायर करते हैं, नए तरीके से सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं, नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और एक सेंस ऑफ मिशन जनरेट करते हैं उनके अंदर कि मिशन की तरह काम करें। ये लीडर दे आर समटाइम कॉल्ड सुपर लीडर्स, क्योंकि ये बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन काम कर रहे हैं, तो सुपर लीडर्स बोला जाता है। दे एक्ट इन सच अ वे दैट इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म एवरेज ऑर्गेनाइजेशन इनटू एक्सेप्शनल। तो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड कहाँ से आया, कि एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन को भी एक एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकते हैं अपने काम करने के तरीके से और लोगों से काम करवा के, और वो भी कैसे, उनको मोटिवेट करके, उनको एक मिशन की तरह अपने गोल को फॉलो करने के लगा के। तो एक एवरेज जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक एवरेज बनी है उसको बहुत अच्छा भी बना सकते हैं, दैट इज वाई ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप। दीज वर दी क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स के लीडरशिप होते हैं। नाउ वी हैव फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप, जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।